सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाइफा स्टडी पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक से लेकर 99 तक का पहाड़ा चुटकियों में कैसे निकालते हैं, या फिर देखिए दोस्तों इसको हम ना तो कोई शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब छोटा सा कह सकते हैं कि हमको हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाकी आप लोगों का पहाड़ा आपके सामने होगा। कैसे निकालना है हमको ये हम लोगों को बताएंगे, क्योंकि ट्रिक कोई भी नहीं है। एक से लेकर 99 तक का पहाड़ा निकालने के लिए ट्रिक कोई भी नहीं है। इससे अच्छे अगर हम ट्रिक की बात कर लेते हैं, तो ट्रिक अगर हमको 97 नाइंजा निकालना, तो बेसिकली ऐसे गुणा करके हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं। इससे आसान ट्रिक कोई भी नहीं होगी। अगर कोई आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि हाँ इसकी हम निकालने की ट्रिक बता देंगे, ये सबसे ढासू ट्रिक, ये ट्रिक, ये ट्रिक, वो ट्रिक, सबसे अच्छी ट्रिक, तो दोस्तों आपको हम बता दें कि कोई भी एक से लेकर 99 क्या था, कोई भी पहाड़ा निकालने की कोई भी अच्छी ट्रिक नहीं होती है। बस सबसे अच्छी ट्रिक होती तो ये, अगर हमने कहा कि 1224 गुणे 15 करते हैं, तो इससे आसान ट्रिक कोई भी नहीं है। ये मैं प्रूव कर सकता हूँ कि इससे आसान ट्रिक कोई भी नहीं है। अगर इससे आसान ट्रिक मिल जाएगी तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो इससे आसान ट्रिक कोई भी नहीं होगी। अगर हमको 1224 का पहाड़ा निकालना है तो हम क्या करेंगे, आसान ट्रिक के लिए हम कर देंगे 1224 से कम, 1224 फिर दुन्ना तिन्ना चौना पंचा, ठीक है, ऐसे निकालेंगे तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अगर हम लोग बेसिकली सीधे इसी का गुणा करके आराम से निकाल देते हैं तो आराम से निकल आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम गुणा करने की ट्रिक निकालती है तो इससे आसान ट्रिक कोई भी नहीं होगी। अगर कहीं भी पेपर में या परीक्षा में पूछा जाता है तो इसी प्रकार आप लोग करना, लेकिन तब भी हम आप लोगों को बताया दे रहे हैं कि एक से लेकर 99 तक का पहाड़ा चुटकियों में कैसे निकालते हैं। तो देखिए हम छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। जैसे हमने पहाड़ा लिया 12 का, ठीक है, हमने जैसे 12 का पहाड़ा लिया, हमको 12 का पहाड़ा लिखना है, लेकिन 12 का पहाड़ा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोई साइड लिख लेंगे, दो कोई साइड लिख लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक का पहाड़ा लिख लेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक है, हमने एक का पहाड़ा लिख लिया। उसके बाद दो का लिख लेते, दो दुनी चार, दो तिहाई छः, दो चौके आठ, दो पंची दस, दो छंग बारह, दो शत 14, 16, 18 और यहाँ पे आ गया 20। अब देखिए हमको करना क्या है, जहाँ तक हमको एक अंक मिल रहे हैं, एक अंक कहाँ तक मिले हमको, 8 तक, यहाँ तक एक अंक मिले हैं, तो क्या करना है, बेसिकली इन्हीं को लिख लेना है। यहाँ पर एक लिख लेंगे, सॉरी ये 12 तो है ही है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे 2 4 3 6 3 6 लिख लिया, 4 8 लिख लिया, 4 8 लिख लिया, उसके बाद क्या किया मैंने, 5 जैसे ही आया, ठीक है, जैसे ही आया 5 वहाँ पर, इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे कि देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे 0, ठीक है, 0 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, 0 यहाँ पर जैसे ही लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो इसका दहाई अंक है और ये दोनों अंक आपस में जोड़ते चलेंगे, 5 1 हो गया 6 और यहाँ पर ये अंक आपस में जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है, ये अंक आपस में जोड़ते चले जाएंगे, और इधर पिछली संख्या लिख लेंगे 2 4 6 8 0, 2 4 6 हमने लिख लिया, यहाँ तक 6 तक 0 नहीं लिखेंगे अभी। अब देखिए यहाँ पर 5 1 6 हुआ, 6 1 7 हो गया, 12 6 72, ठीक है, 7 1 8 हो गया, यहाँ पर 12 6 72 82 84, 12 8 96, 8 1 9 हो गया, 72 96, और उसके बाद हो गया 9 12 8 96, 12 9 108, ठीक है, 9 और 1 10 हो गया, यहाँ पर हमने 8 लिखा, ठीक, 8 जैसे लिखा, यहाँ पर 9 1 10 हो गया, 12 9 108 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे और इनका इनको जोड़ के आपस में लिख देंगे, 12 दामों हो जाएगा 120, ठीक है, हमें क्या करना है, इनको इनको लिख लेना है, 12 हो गया और 0 लिख लेना, ठीक हो गया, 12 धामा 120। तो ये ट्रिक जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, इसको ट्रिक नहीं कह सकते, बस एक कॉन्सेप्ट है कि हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हाँ कैसे हो सकता है, आखिर ये कैसे मुमकिन है लिखना पहाड़ा। अब आगे हम लोगों को एक और बड़ी संख्या लिख के देखते हैं। देखिए आगे अगर हम कोई बड़ा पहाड़ा लेते हैं, देखिए हमने यहाँ पर जैसे लिया 72 का, ठीक है, 72 का लिखना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 7 लिख लेना है, यहाँ पर 2 लिख लेना है, ठीक है, और 7 का पढ़ लें, 7 2 14, 7 हमने लिख लिया 7 का पहाड़ा, ठीक है, 7 का पहाड़ा लिख लिया, उसके बाद हमको क्या करना है, 2 का पहाड़ा लिख लेना है, 4 6 8 10 12 14 16 18, यहाँ पे हो गया 20, ठीक है, तो हमको क्या करना है बेसिकली, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि
72 दुना कितना होता है, जैसे हमने 72 दुना निकाल लिया, 72 72 का दो बार कर लिया, दो दो हो गया, 4 7 7 हो गया 14। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि बेसिकली यही संख्या लिख देनी है। ठीक है, 72 दुना कितना होता है, 144 होता है, तो हमें क्या करना है 144 और यहाँ पर लिख देना है 216। ठीक है, 216। अब देखिए अगर हमने यहाँ पर फिर से 72 जोड़ा तो 4 2 हो गया 6, 7 और 4 हो गया 11 का 1 और 1 1 हो गया 2। ठीक है, वही वही संख्या हमको उतार देना, 2 8 8 3 5 10, तो इसी तरह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना है, 72 का पहाड़ा। अब देखिए अगर हम यहाँ तक बात कर लेते हैं कि 99 तक, मतलब कोई भी संख्या हो 99 तक, उसका पहाड़ा कितनी हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं, ये हमने आप लोगों को बताया है। देखिए आगे बात आती है, अगर 99 के पहाड़ा जैसे हमने 72 या फिर 42 48, अगर हमको सबका पहाड़ा निकालते तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट एक काम करेगा, बस इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। ये आप लोग ध्यान रखिए, ये आप लोग अपनी बात से दिमाग से निकाल दीजिए बात कि इसकी भी कोई ट्रिक होती है। अगर इसकी ट्रिक आप लोग ढूंढ लेते हैं तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ कौन सी ट्रिक है, बस ये वाली ट्रिक मत बताना कि 94 * 5 निकालना, तो ये क्योंकि इससे आसान ट्रिक, इसी को हम लोग ट्रिक कह सकते हैं और इसी को हम लोग कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। बस इसमें कॉन्सेप्ट ये भी हम बता रहे हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना। आप देखिए यहाँ पर अगर बात आती है 99 का निकालना है, तो 9 * 2 = 18, 9 * 3 = 27, 9 * 4 = 36, 9 * 5 = 45, 9 * 6 = 54, 9 * 7 = 63, 9 * 8 = 72, 9 * 9 = 81, 9 * 10 = 90 और सेम यही कंडीशन इसमें भी हो जाएगी, 18 * 27 * 36 * 45 * 54 * 63 * 72 * 81 * 90। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि इन दो संख्याओं को आपस में ऐड कर लेना है, इन दो संख्याओं को आपस में ऐड करते चले जाना है। जैसे हमने यहाँ पर एक ले लेना है, एक को और आठ को यहाँ पर लिख लेना है, एक यहाँ पर लिख लेना है आठ, और उसके बाद क्या करना है 7 2, उसके बाद क्या करना है 8 और 1 को ऐड करके 9 यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, 99 * 2 = 198 हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 7 2 9 हो गया, हमने बीच में 9 लिख लेना है और 2 और 7 2 और यहाँ पर लिख लेना है 2, यहाँ पर लिख लेना है 7। उसके बाद क्या करना है, 3 यहाँ के इसका दहाई का अंक और इसका इकाई का अंक लिख लेना है, 3 इधर लिख लेना है, 6 इधर लिख लेना है और 6 3 हो गया 9, हमको किस में लिख लेना है, बीच में लिख लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है, 4 को लिख लेना है और पीछे की संख्या 5 को लिख लेना है, यहाँ पर 4 लिख लेना है, यहाँ पर 5 लिख लेना है और बीच की संख्या को आपस में जोड़ देना है, 5 4 हो गया 9, 495 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली फिर वही काम करेंगे, यहाँ पर 5 लिख लेंगे, पहले 4 लिख लेंगे, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 और 5 4 हो गया 9, 594 हो गया। उसके बाद क्या करना है, 6 3 को करना है, ठीक है, यहाँ पर 3 लिख लेना है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 लिख लेना है, यहाँ पर 6 लिख लेना है, बीच में 6 3 9 को जोड़ देना है। उसके बाद 7 लिख लेना है यहाँ पर और यहाँ पर लिख लेना है 2, उसके बाद 7 2 को जोड़ देना, 7 2 9 हो गया। उसके बाद 8 लिख लेना इधर और 1 लिख लेना इधर और 8 1 9 जोड़ देना इधर हो गया। उसके बाद 9 लिख लेंगे इधर, ठीक है, 9 लिख लेंगे इधर और क्या करना है, 9 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
यहाँ पर हो जाएगा 9 हो जाएगा और फिर 9 हो जाएगा यहाँ का इकाई गंग, यहाँ का दहाई गंग 990 हो जाएगा। तो यही है कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसको आपको बेसिकली थोड़ा सा ध्यान से समझना है। बाकी आप लोग कैसे भी अगर कोई भी एक से लेकर 99 तक का पहाड़ा अगर आ रहा है आप लोगों के साथ तो बेसिकली आप लोग इसी तरह निकाल सकते हैं। लेकिन उससे अच्छी ट्रिक नहीं है जो मैंने अभी बताई थी, ऊपर नीचे गुणा करके आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आपको कॉम्पिटिशन में कोई भी सवाल में अगर पहाड़ा फंस रहा है तो आप लोग इस ट्रिक से मत निकालना, क्योंकि इस ट्रिक से आप लोग क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पूछ लिया गया 1 2 3 4 5 6, अगर 99 छक्का पूछ लिया गया तब क्या करेंगे हम लोग, पहले 99 का पहले 9 का लिखेंगे इधर पहाड़ा, फिर 9 का लिखेंगे, फिर क्या करेंगे आपस में दोनों को ऐड करके फिर जाएंगे उस छठे नंबर पे। तो छठे नंबर पे हमको क्या मिलेगा, 594 मिलेगा। अब 594 हमको यहाँ पर लिखना है तो कितना सारा टाइम आप लोगों के साथ बर्बाद होता है। तो ये बेसिकली है कॉन्सेप्ट है, बस इसको हम आप लोगों के साथ शेयर करना था, हमने कहा चलो ठीक है शेयर कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या है कि अगर आपको किसी कंपटीशन में अगर निकालना है जल्दी से कि 99 छक्का कितना होता है, तो आप लोग बेसिकली ये वाली ट्रिक आपको काम करेगी। इससे अच्छी ट्रिक कभी आज तक बनी ही नहीं है। तो आप लोग एक काम करिएगा, ये वाली ट्रिक निकालिएगा, ये वाली ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली अगर आपको पूरा का पूरा पहाड़ा लिखना है तब तो आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी है इमिजिएटली क्विकली निकालना है तो आप लोग बेसिकली क्या करेंगे, यही वाली ट्रिक अपनाएंगे जो मैंने ऊपर नीचे गुणा करके बताया कि 99 छक्का आप लोग गुणा कर लीजिए, आराम से बन निकल आएगा। तो दोस्तों अगर ये आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आया है या थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ।